हल्दी पाउडर और ना ही लगेगी मिर्ची पाउडर, फिर भी खाने की डेट में इसी मछली करी की डिमांड रहेगी ज्यादा। तो आज मैं बनाऊंगी शाही दही पापड़ा। मेरे हाथ में है पापड़ा मछली। तो इस रेसिपी को मिस मत करना। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई पार्टी हो, इस मेनू को जरूर रखिएगा, क्योंकि बाद में आप बाबा ही लुटेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। और इससे पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मछली को क्लीन कर लेंगे, और इस मछली को क्लीन करना भी आसान है। हर दिन तो मछली करने में मस्ट लग जाता है, मगर आज आएगा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि आज की मछली करी पूरा रिफाइंड ऑयल से बनेगी। पैन में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इसी ऑयल में प्याज, काजू, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च को हल्का सा भून लेंगे। एक ही साथ खसखस को भी भून लेंगे। देखते हैं जब भी मैं मछली को फ्राई करती हूँ, हल्दी नमक लगाकर एकदम लाल हो जाकर फ्राई करती हूँ, मगर आज ऐसा नहीं होगा। आज सिर्फ मछली में नमक जाएगा, नमक लगाकर हल्का सा फ्राई करना है, मछली लाल होने से पहले निकालना है। इलायची, दालचीनी, इसके बाद जाएगा सारे भुना हुआ मसाला का पेस्ट, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। मसाला भुनने के बाद ऐड करेंगे पानी। अब उबले हुए ग्रेवी में मछली को ऐड करेंगे। ऊपर से छिड़क देंगे बेरस्ता। ये ग्रेवी देखिए, आपको पता चल गया होगा कितना शाही बना है, उतना ही शाही टेस्ट भी आया है। आप प्लीज घर पर एक बार बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।